स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने ये प्रोग्राम रन करा रहे थे तो उसमें ना दिक्कत क्या आ रही थी, देखो जैसे मैंने एग्जीक्यूट कराए ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा था, तो हम गलती क्या कर रहे थे, इसमें ये टैग है ना एसक्यूएल टैग, ये एसक्यूएल क्वेरी टैग, ये गलत जगह बंद कर रहे थे। समझ रहे, हमें करना था क्या, ये सेल्फ क्लोज टैग करना था, ये समझ रहे, ये आपका आउटपुट आया देखो ब्लैंक। अब हम क्या करते हैं, इस टैग को यहां से हटाया, ठीक है, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा टैग, ये जो आपका टैग है, या सेल्फ क्लोज कर दो या यहाँ पर बंद कर दो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हो ऐसा, है ना। तो ये क्वेरी अगर यहाँ पर बंद है, अगर हमने यहाँ पर बंद कर रखी दिए आपकी क्वेरी टैग, ये है ना, तो ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन आउटपुट नहीं आता, समझ रहे क्यों, क्योंकि आपका एसक्यूएल जो ये है स्टेटमेंट, ये यहाँ पर लिखा गया तुम्हारा, और बंद कहाँ हो रहा था, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा का सारा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, हमें क्या करना था, पहले क्वेरी एग्जीक्यूट करनी थी। जब तक क्वेरी का सारा रिजल्ट नहीं आएगा, किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर, तब तक ये आपका शो नहीं करेगा कुछ भी आउटपुट, समझ रहे। तो इसका एग्जीक्यूट, इसी स्टैक का पूरा एग्जीक्यूट होना जरूरी था, फुल एग्जीक्यूशन होना जरूरी था स्टैक का, ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने थे। तो हम क्या कर रहे थे, इसे पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे, यहां बंद कर रखा था, ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो अब इसने क्या करा, सारा टेबल का डेटा डिस्प्ले कर दिया, ये माइनर सी मिस्टेक थी, टैग बंद नहीं हो रहा, सारी कोडिंग सही थी वैसे हमारी, ठीक है, ये करना है आपको, और कुछ नहीं छेड़ना, क्लियर है, ठीक है जी, ओके। अब इसी में ही आगे कुछ टैग हैं जो आपके इंटरनेशनलाइजेशन टैग हैं, उनको देखते हैं, चलो यहीं पर ही कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इंटरनेशनलाइजेशन टैग I18 एंट, है ना, टैग्स की, इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला टैग आता है आपका, आपका FMT टैग, समझ रहे, FMT सेट बंडल, सेट बंडल एक टैग है, समझ रहे। अब इंटरनेशनलाइजेशन क्या है, बोलो बताओ, I18N क्या है, देखो I18 टैग, I18 का मतलब क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन, I और N के बीच में टोटल 18 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो पूरा इंटरनेशनलाइजेशन ना लिखा है, I18N लिख दिया ये, ठीक है, ये कोर जावा का पार्ट है, ठीक है। इसका जरूरत क्या पड़ी, जैसे हर कंट्री का अपना अपना टाइम स्टैंडर्ड है, समझ रहे, यहाँ पर अगर 8 PM है तो शायद हो सकता है कि दूसरी कंट्री में कुछ और टाइम हो, ठीक है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है, हमारे यहाँ चलता है यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100, विथ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से चलता है, लेकिन अदर कंट्रीज में मिलियन बिलियन ये चलते हैं आपके, ट्रिलियन, इस तरह से चलते हैं, तो सबका फॉर्मेटिंग अलग अलग है, तो आप किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ टैग्स बनाए गए, ये आपके FMT टैग बनाया गया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज फाइल है, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर आप कुछ भी वेरिएबल डिफाइन कर दो और उसको फेच करेंगे यहाँ पर, अभी इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। उसी के उसके बाद एक आता है आपका FMT, ये सेट बंडल का मतलब है जितनी भी प्रॉपर्टीज फाइल है उनको एक बंडल में बनाना, मैसेज, ठीक है, एक आपका मैसेज टैग है, ठीक है, कोई भी मैसेज अगर आपको लेना है, इसमें वेरिएबल देंगे और उसकी की वैल्यू देंगे, ये इस तरह से होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल देंगे, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, और आपकी जो प्रॉपर्टीज फाइल है
उसकी उसमें प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर क्या होते हैं, की और उसकी वैल्यू होती है प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। तो जो भी आपने प्रॉपर्टीज फाइल में की दी उसको यहाँ पर डिफाइन करोगे, जो भी की है, ठीक है। और ये इस की जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में आ जाएगी जो भी आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, और इसको आप आउट करा दोगे तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपके हैं टैग्स। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको एफ एम टी एक टैग की जरूरत पड़ेगी, एसक्यूएल की जगह आप ले लो एफ एम टी इंटरनेशनलाइजेशन के लिए, किसका यूज करेंगे, एफ एम टी का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो आपकी फाइल बनाते हैं, किसकी, प्रॉपर्टीज फाइल, एस आर सी फोल्डर के अंदर यहाँ पर ही बना लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर एक फाइल लेते हैं, जर्नल में फाइल ले लेते हैं। नेक्स्ट इस फाइल का नाम देते हैं, सपोज एक तो हम देते हैं ए बी सी अंडर स्कोर ई एन, ई एन का मतलब इंग्लिश, और यूएस, यूएस डॉट प्रॉपर्टीज, क्या नाम देंगे, प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। एक तो सिंटैक्स ही होगा आपका, एक फाइल ये बना दी मैंने, इंग्लिश, ठीक है जी। ये आ गया आपकी। इसके अंदर हम की वैल्यू डिफाइन करते हैं, सपोज हमारी एक की है, आपने ली की वेलकम, और इसकी जो वैल्यू है, सपोज कुछ भी वैल्यू दे दो, जैसे वेलकम टू यूएस यूजर, ये आपने मैसेज दे दिया, इसकी वैल्यू ये हुई। अब इस फाइल को हम यहाँ पर कैसे इंक्लूड करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, टैग लिप लगा दी एफ एम टी, है ना। इससे क्या होगा, आपका जितने भी स्टैंडर्ड टैग्स हैं इसके एफ एम टी के, वो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो एक फाइल और लेते हैं इसी के अंदर, यहीं पर ही एक न्यू फाइल लेते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी अंडर स्कोर आई टी और आई टी डॉट प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है, आई टी एंड आई टी बताओ, इसको डिलीट करो, एस आर सी फोल्डर में आ गई ना हमारी एक, ये आई टी का मतलब क्या होता है, दूसरी में डिलीट होगी क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, ये कंट्री का है, जैसे ई एन का मतलब इंग्लिश, यूएस का मतलब यूएसए, इटली, है ना, इटालियन, वे जो बोलते हैं इटालियन बोलते हैं, जो स्मॉल आई टी है, और आई टी जो कैपिटल है वो इटली को डिनोट करता है, ए बी सी, हाँ इटालियन, ये ले लिया मैंने आई टी एंड आई टी डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मैंने फाइल ली, ये आपकी दो फाइलें आ गई। इसमें भी हम मैसेज देते हैं वेलकम, कुछ भी नाम दे दो, समझ रहे हैं, वेलकम टू इटली यूजर, कुछ भी ये मैसेज दे दिया, सपोज इक्वल टू दे दो, ठीक है जी। ये मैसेज हमने इसमें यहाँ दे दिया, ठीक है जी। ये हमारा दो प्रॉपर्टीज फाइल होगी, ठीक है जी, एक तो यूएसए की और एक इटली की। अब देखो आपकी जो इंडेक्स वाली फाइल है इस पे कोडिंग करनी है आपको। सबसे पहले आपको जो आपका बंडल पैकेज है ना उसको ले लो, हाँ
हाँ, इसमें प्रीफिक्स जो है ये चेंज करो, हमारा जो प्रीफिक्स क्या है FMT है, और उसमें एक सी ले लिया कोर के लिए, आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम अपना FMT, एक होता है लोकेल, आपने उसमें पढ़ा होगा लोकेल, ठीक है। लोकेल में आपकी लोकेशन बताएंगे किस जगह से है ना, लोकेल जो भी आपकी कंट्री पड़ती होगी उस हिसाब से लोकेल सेट हो जाएगा। हमने लोकेल की जो वैल्यू सेट करी, सपोज हमने सेट कर दी IT एंड IT, ये सेट करी है ना, तो ये जो आपका डिनोट कर रहा है, ये आपके किसको डिनोट करेगा, आपकी कंट्री को, ठीक है, वहां की लैंग्वेज को, वहां के फॉर्मेट को। तो आपका जो जावा का कंपाइलर है, इटली का सारी इंफॉर्मेशन उठाएगा। जैसे हम एक टाइम लेते हैं, इटली के हिसाब से टाइम क्या होगा ये आपने सेट कर दिया, तो हम क्या करते हैं FMT कोलन एक लेते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट डेट ले लो, और नंबर भी दोनों से करके दिखा रहा हूँ मैं, फॉर्मेट डेट ले लेते हैं या नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया नंबर। सपोज नंबर की जो वैल्यू दी तुमने, वेर में वेर इज इक्वल टू, ये ले ली एक वेरिएबल, ले लिया कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दो नम है ना, और इसकी वैल्यू दे दो, वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज ये दे दी वैल्यू, ठीक है जी। ये तो नंबर फॉर्मेट हो गया, इसमें पॉइंट पे लगा दो कहीं, नहीं लगा दो, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो इसको ये कैसे इटली में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये एक तो ये क्वेश्चन है। और एक ले लेते हैं डेट, FMT कोलन फॉर्मेट FMT, सॉरी FMT कोलन चलो मैनुअली लिख लो, इसमें लिख दो FMT कोलन आपका फॉर्मेट डेट, फॉर्मेट डेट, ठीक है, इसमें वैल्यू दे दो, समझ रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहां पर वैल्यू देने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर एक यूटिल पैकेज की डेट ले लो पहले, तो है ना, उसको कैसे लेंगे, बाय यूजिंग JSP बीन करके, क्या करके, JSP यूज बीन, सॉरी यूज यूज बीन, एक आपका टैग है प्री डिफाइंड, उसमें हमने आईडी, आईडी आईडी का मतलब होता है रेफरेंस वेरिएबल, हमने लिया डेट, ठीक है, किसका रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, आपकी जो क्लास है, क्लास का नाम दे दिया जावा डॉट यूटिल डॉट आपकी डेट, ठीक है जी, ये आ गया। तो आपने ये डिफाइन करा आपका डेट, JSP यूज बीन आईडी क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ये डेट दे दी यूज बीन, इसका मतलब क्या हुआ, आपने डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो डेट है, इस लाइन का सिग्निफिकेंस, ठीक है, मिसिंग एंड इसको एंड कर देते हैं। जी हाँ, इसको यहाँ पर एंड करो, वो ध्यान रखना, क्योंकि सारा का सारा हमें फॉर्मेटिंग करनी है ना, तो डेट फॉर्मेट, अब यहाँ पर वैल्यू देते हैं, इसमें डेट फॉर्मेट एक वेरिएबल ले लो वेर, जिसमें डेट आएगी, मतलब ये डेट, इसका मतलब क्या है, जो भी आपने डेट ली उसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट का मतलब किस फॉर्मेट में, यानी कि इटैलिक कंट्री के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है इसका टाइम, आपकी जो डेट है जावा की है ना, इस जावा डेट का जो यूटिल पैकेज की डेट है उसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं एफ डेट, एफ डेट, और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू जो आपने अभी डेट ली कौन सी यूटिल वाली, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं किसके अकॉर्डिंग, इटैलिक की अकॉर्डिंग, ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है जी।
ये मैंने सेव कर दिया, ये डेट आ गया आपकी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने एक तो नंबर लिया, इस नंबर की फॉर्मेटिंग देखनी है आपको किसके अकॉर्डिंग, आईटी एंड आईटी। दूसरा, ये यूटिल वाली डेट है उसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट मतलब इटैलिक फॉर्मेट में लाना है और इसको डिस्प्ले कराना है। ये दो वर्किंग है आपकी। ठीक है जी, करो इसे कैसे करेंगे हम, ये हमारे सेट हो गए। ठीक है, ये आपका बंद हो गया, अब इसको प्रिंट करा दो। ठीक है, डेट को भी और नंबर को भी इसी के अंदर प्रिंट करा दो, जेएसपी यूज के अंदर ही। हमने एक टैग लिया सी, सी कोर के लिए आउट, है ना आपकी। एक मिनट, अब हम प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले आपका एक तो नम वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ठीक है, वैल्यू दे दी आपने, प्रिंट कराई डॉलर साइन, इसके अंदर नम को प्रिंट कराया। इससे आपको नंबर की जो वैल्यू है वो पता लग जाएगी क्या है। और इसी तरीके से हम अपने डेट प्रिंट कराई, कॉपी इसको पेस्ट, वैल्यू ये किसके अंदर आया, एफ डेट के अंदर, एफ डेट प्रिंट कराई, एफ डेट। ठीक है जी, इसको एग्जीक्यूट करो। अभी प्रॉपर्टीज फाइल मैंने यूज नहीं करी, है ना, उसके लिए बंडल टैग का यूज होगा, इस वाले टैग का, ये वाला सेट बंडल। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। एरर दी, नो टैग लोकेल डिफाइंड इन द टैग लाइब्रेरी एफ एम टी। इसे चेक करो एक बार कहाँ है हमारा। कोलन, सेट लोकेल है, सॉरी सेट लोकेल। ठीक है, ये टैग है, अब इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है जी, ये देखो इन्होंने जो इंग्लैंड का जो इसका सॉरी इटली का जो फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट इस तरीके से है, और वहां पर डेट जो लिखने का तरीका है ये है। ठीक है, इसको बी आर टैग से करता हूँ, मिनट बी आर टैग लगा दूँ, जहां पर प्रिंट हो रही है यहाँ पर लगा दिया बी आर टैग। ठीक है जी, अब इसको रिफ्रेश करो, इस तरीके से आएगा ये फॉर्मेट है उसका, यानी कि यहाँ पर देखो पॉइंट लगा रखा है, यहाँ पर क्या लगा रखा है, पॉइंट, और जहां पर पॉइंट था वहां पर क्या लगा रखा है, कोमा। समझ रहे, ये इसका फॉर्मेट है। तो इसको देखने के लिए आप एच वन टैग लिख लो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। टैग सही बंद नहीं है इसका, मतलब चलो छोटे इस बात को आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो। देखो जहां पर कोमा आना चाहिए था वहां पर क्या आ रहा है, डॉट, और जहां पर पॉइंट है वहां पॉइंट की जगह क्या आ रहा है, कोमा। ये इटैलिक आपका फॉर्मेटिंग है। ठीक है, अच्छा ये एक बंद हो रहा, सॉरी। हाँ ये देखो, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पर यूएस और वो कर देता हूँ, ईएन, ईएन का मतलब इंग्लिश, और आपका सपोज यूएस, तो इसमें नंबर फॉर्मेटिंग और ये डेटा लगाएंगे, ये चेक करो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कोमा आ गया और यहाँ पर ये क्या आ गया, ये, और इसी तरीके से यहाँ पर बीच में पहले जुलाई आ रहा था, अब ये साइड में हो गया। ये यूएस का फॉर्मेट है, वहां की जो लोकल जो टाइम जोन है, टाइम नंबर सिस्टम्स है, वहां के अकॉर्डिंग इसने उठा लिया। आपका जेवीएम उसी तरह से काम कर रहा है,
ये आपने बताया इसको कि जो सेट लोकेल है EN US का करना है, समझ रहे? इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, क्लियर है या नहीं? ठीक है, और अदर कंट्रीज का कर सकते हो आप, है ना, अलग अलग, बस ये पता होना चाहिए ये कैसे लिखते हैं हर कंट्री के लिए। यूएसए के लिए तो EN अंडरस्कोर ये है, इटली के लिए है, इंडिया के लिए EN अंडरस्कोर IND है शायद, चेक कर लेना अलग अलग। अब हमें क्या करना है, जो आपने ये फाइलें बनाई थी, इन फाइलों के अंदर जो डेटा है उसको रीड करना है सपोज, ठीक है, ये इटली का डेटा है और एक यूएसए का डेटा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बंडल बनाना पड़ेगा, सेट बंडल, उस बंडल के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टीज फाइल का नाम देना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि जो प्रॉपर्टीज फाइल का दोनों का स्टार्टिंग वर्ड है ABC है और इसका भी ABC है, बाद में UN USA है, ठीक है। जो भी तुमने यहाँ पर वैल्यू सेट करी उसी के हिसाब से मैसेज देगा। सपोज हो सकता है कि सेम आ जाए, लेकिन फिर भी चेक करते हैं, FMT कॉलन, इसके अंदर हम लेते हैं सेट बंडल, सेट बंडल, बंडल कहां से उठाएगा, है ना, तो उसमें हमें देना पड़ेगा बेस नेम, बेस नेम, बेस कहाँ है इसका, मतलब कौन सी फाइल है हमारा जो बेस है इसका, ये है ABC फाइल दे दिया, ठीक है जी, ये फॉर्मेट हो गया इसका। अब मैसेज डिस्प्ले कराना है, कौन सा, जो आपने यहाँ पर मैसेज दिया है ये मैसेज, तो मैसेज देने के लिए आपका मैसेज टैग बनाया गया, तो आप लिखोगे FMT कॉलन आपका मैसेज, समझ रहे, और मैसेज की एक वेरिएबल ले लिया, मैसेज किस में लेंगे, एक MSG ले लो, और वैल्यू सॉरी की, की क्या है वहां पर, हमने यहाँ पर की जो दे रखी है, ये देखो प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर वेलकम दे रखी है, समझ रहे, इस वेलकम को कॉपी कर लेते हैं, वेलकम ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब इस मैसेज को क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, ये कॉपी किया और मैसेज को प्रिंट करा देते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज फाइल से मैसेज लेगा, ठीक है, और मैसेज को डिस्प्ले करा देंगे MSG, ठीक है। हमने क्या सेट बंडल, जितनी भी प्रॉपर्टीज फाइल है जिनका स्टार्टिंग सिंबल क्या है ABC है ना, उनको कंसिडर करना है, जिसका बेस नेम ABC है, बेस नेम मतलब स्टार्टिंग नेम, समझ रहे, अब क्लियर है, मल्टीपल एनोटेशन साइड का होगा, डिफाइन एट्रीब्यूट ABC, चलो से एक बार चेक करते हैं, नेक्स्ट इंग्लिश, ये कह रहा है इक्वल सिंबल एक्सपेक्टेड कहां पर, लाइन नंबर 15 कहां पर छोड़ दिया, इक्वल सिंबल एक्सपेक्टेड, यहां पर इक्वल है तो ठीक है, यहां पर बिकम बेस इज इक्वल टू, अच्छा ये गलत लिख दिया, बेस नेम इज इक्वल टू दिस, अब एग्जीक्यूट करो उसको, एक तो है ना इसका फॉन्ट कितना छोटा हो रहा है, मैसेज आया, मैसेज तो आया नहीं, बेस नेम ABC मैसेज ले लिया आपने, मैसेज प्रिंट कराना है, FSMS हो गया, ठीक है, इसको रिफ्रेश करो, ये आपका वेलकम टू US यूजर आया, लेकिन आना क्या चाहिए था, आपने सेट क्या कर रखा है ये देखो पहले, हाँ US कर रखा तो US का आ गया ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या सेट करते हो,
आईटी एंड आईटी। अब ये किसका नाम उठाएगा, इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो इटली का उठाएगा ये। अब ये इटली आ गया, समझ रहे। तो देखो दोनों फाइल एबीसी है, एक आपने इटली की फाइल बना रखी है, एक यूएस की फाइल बना रखी है। इस टॉपिक को समझो, रटो मत। इसका मतलब है कि आप अलग अलग कंट्रीज की मैसेजिंग सिस्टम अलग अलग फाइल में बनाओगे। जितनी भी फाइल बनाओगे आप प्रॉपर्टीज फाइल, सबका बेस नेम, बेस नेम मतलब एबीसी, ये सबका सेम रहेगा नेम एबीसी, इसका भी नाम एबीसी, मतलब कुछ भी नाम रख दो लेकिन सेम रहेगा। अब आपका जो भी जिस कंट्री में भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, सपोज आपने एप्लीकेशन बनाई सिर्फ इंडिया इंडिया के लिए नहीं बनाई, कल को वो आपकी एप्लीकेशन यूएसए में भी रन हो सकती है, तो उनको नंबर जो फॉर्मेट और डेट चाहिए अपने हिसाब से चाहिए, क्योंकि उन्हें उसकी आदत पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जैसे भी कंट्री होगी उसी हिसाब से बेस तैयार कर देंगे, उसी हिसाब से मैसेज डिस्प्ले होगा उसके उस कंपनी में, और इनकी जो सारी की वैल्यू पे हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, टाइम डेट आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें सारा का सारा इन फाइलों में डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बंडल ले लिया, सेट बंडल, सेट बंडल में के अंदर वो फाइलें आएंगी जिनका बेस नाम एबीसी है, बेस नेम क्या है एबीसी है, इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग होगी। क्लियर है? समझ में आया है या नहीं दीपक सर, कैसे है डिफरेंशिएट कराइए? हाँ समझ में आ गया दीपक? अच्छा ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज का हम बेस नेम सेम रखेंगे और इनमें अंदर डिफाइन कर देंगे, या अपने हिसाब से वैल्यू उठा लेगा सारी की सारी, ठीक है जी। ये थे आपके एफएमटी टैग, इंटरनेशनलाइजेशन टैग। इसके अंदर बेसिकली एक तो आता है सेट लोकेल टैग, फॉर्मेट नंबर है ना, फॉर्मेट डेट, आपका सेट बंडल, मैसेज, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर टैग्स हैं आपके, ठीक है। इसमें बस एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका, थ्योरेटिकल है ये भी, इसे भी समझ लो एक बार। आपका ईएल एक्सप्रेशंस है ना, रेगुलर एक्सप्रेशंस लैंग्वेज, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज एक मिनट, ठीक है, सेव। देखो अब बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज की, है ना, ईएल टैग्स की। कौन से ईएल टैग्स जितने भी हैं उनकी बात करते हैं। अगर आपको ईएल टैग सीखने हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी रेगुलर एक्सप्रेशन आने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, है ना। इनका मेन काम क्या है, जावा के कोड को रिड्यूस करना है, मेन काम यही है इनका। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस हमने अभी पढ़े, रेगुलर एक्सप्रेशंस कोई वैल्यू अगर प्रिंट करानी है तो आप लिखते हो डॉलर साइन यहाँ पर, उसके बीच में वेरिएबल जो भी है जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, हम इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन से लिखते हैं, ठीक है जी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कुछ जीएसपी कंपोनेंट्स हैं, जैसे ईएल ऑपरेटर्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑपरेटर्स, ईएल ईएल ऑपरेटर्स, ठीक है जी। दूसरा आपका इसमें इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, आपके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सारे वही हैं जो आपके नाइन के नाइन मैंने बताए थे, एक दो चेंज होगा, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और आपके ईएल फंक्शंस हैं, ईएल फंक्शंस ये इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हारा ईएल फंक्शंस समझ रहे। ईएल फंक्शंस में सेम ऐसे ही है जैसे आपने टीएलडी फाइल बनाते थे, बस आपको करना क्या है, फंक्शन को कॉल कराना है यूजिंग टीएलडी। तो यानी कि ईएल फंक्शन की कॉन्फ़िगरेशन टीएलडी फाइल में करेंगे, ठीक है।
ईएल ऑपरेटर, आपके जो ईएल ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, है ना, टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर्स, ये क्या है, सारे के सारे आपके ये ऑपरेटर्स हैं, जैसे आपने कोड लगा पढ़े थे सेम वही ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर कुछ जनरल पर्पज ऑपरेटर हैं, जनरल पर्पज ऑपरेटर में कौन कौन से आएंगे आपके, सब थ्योरेटिकल है, से समझ लो, डॉट ऑपरेटर, ठीक है, ब्रैकेट ऑपरेटर, स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर, कर्ली ब्रेसिस ऑपरेटर, दीज आर द जनरल ऑपरेटर्स, ये सब आपके जनरल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। जो इसमें सबसे मेन है आपका, जो एक तो है ईएल इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं ये देखो, एक तो है पेज स्कोप, ये भी पहले से बना हुआ है, पेज स्कोप, ठीक है, पेज, यानी कि जो आपके चार स्कोप बताए थे मैंने, पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसी नाम से ही है, एक रिक्वेस्ट स्कोप, ठीक है, यानी कि जिस जेएसपी पेज पर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हो, उस पेज पर जो ये मैं अब नाइन ऑब्जेक्ट्स लिख रहा हूं, ये अवेलेबल रहेंगे, सेशन स्कोप, आपका एप्लीकेशन स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप, ठीक है, और भी हैं आपके जैसे परम, ठीक है, परम वैल्यू, वैल्यू, परम वैल्यूज हो गया, इनिट परम, ये आपके कुकीज, व्हाट इज कुकीज, हेडर, हेडर भी एक हैडर वैल्यू, हेडर वैल्यू, वैल्यू सॉरी, एक है आपका पेज कॉन्टेक्स्ट, समझ रहे हैं? ये आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, प्री डिफाइंड इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, इनको आप अपने जेएसपी पे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, क्लियर है? देखो जैसे कैसे यूज करेंगे इनको, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे बोलो, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है? हर जीएसपी पेज पर अवेलेबल रहेंगे वैसे तो, ये जितने भी आपके जीएसपी पेज हैं सबके सब पे ये अवेलेबल रहेंगे। देखो जैसे सपोज इसमें ईएल लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखेंगे, ईएल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया ईएल, ठीक है, ये क्या कह रहा है, जीएसपी कैन नॉट इस डिस्क्रिप्टर, ईएल, ईएल ही तो थी वो, एक वर्क एप्स के अंदर इसमें एग्जाम्पल नाम का फोल्डर था, वेब आई एन एफ के अंदर ये थी, इसे एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट किया था तुमने, यहाँ पर एक फाइल थी, इस फाइल के अंदर देखो, चलो आ रहा मैं, हाँ चलो आ रहा, एक तो कोर था, ठीक है, इसी तरीके से आपका
फंक्शंस था, सॉरी वो फंक्शंस था, याद आ गया, यहाँ पर फंक्शंस थे, फंक्शंस थे, ठीक है, ये था आपका। और यहाँ पर फॉर्मेट भी क्या आएगा आपका, फंक्शंस। प्रीफिक्स क्या था, प्रीफिक्स याद नहीं आ रहा, फंक्शन इसी था सर, चलो चेक कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे आपको अगर ये पैरामीटर्स यूज करने हैं तो हम क्या करते हैं, इस जेएसपी पेज पर रिक्वेस्ट डॉट हम करते हैं, एक टैग लेते हैं शुरू में, स्क्रिप्टलेट, इस टैग के अंदर रिक्वेस्ट डॉट हम करते हैं सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम दे दो, जैसे मैंने दिया नेम ही दे देते हैं, और इसकी वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, है ना, ये आपने एक वैल्यू सेट कर दी। अब इसको कैसे गेट किया जाए, है ना, इसको गेट करने के लिए आप अपने इसमें जो भी परम आपके जो भी रिक्वेस्ट स्कोप है उसे यूज कर सकते हैं। आपने क्या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से करा, तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट स्कोप का यूज करेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ लो, प्रिंट करा दो कुछ भी, HTML बॉडी बना के जैसे भी करना चाहो, ठीक है, मैंने प्रिंट कराया, रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर लिखते हैं आउट सी कोलन आउट, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है जी, ए बी सी, और इसकी जो वैल्यू वैल्यू दे देते हैं डॉलर साइन, कहाँ से आपका रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट स्कोप डॉट आपका हम ले लेंगे, हमें प्रिंट कराना है नेम, समझ रहे, जो भी नाम आपने ये दिया इस नेम को हम प्रिंट करा लेंगे, तो यहाँ पर आपने नाम दिया नेम खाली, तो डॉट ठीक है जी, ये तो वैल्यू सेट करी ना, सेट, अब इसको गेट करते हैं सी आउट, अब वैल्यू वैल्यू कहां से, ये डॉलर साइन ए बी सी को प्रिंट करते हैं, ये आ गया आपका क्लाउड एक्सप्लोरर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक एट्रीब्यूट सेट किया किससे, रिक्वेस्ट से, है ना, हर जीएसपी पेज पर, देखो दो चीजें हैं, हर जीएसपी पेज पर जहां तक भी ये रिक्वेस्ट जाएगी, सेट एट्रीब्यूट करा तुमने, है ना, जो भी क्लाइंट है जहां तक जिस जिस पेज पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये नेम टाइप जो नेम नेम का वेरिएबल है ये हर जगह अवेलेबल रहेगा, उसकी वैल्यू क्या है, क्लाउड एक्सप्लोरर, ठीक है। अगर आप इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दोगे फॉरवर्ड मैकेनिज्म से या इंक्लूड मैकेनिज्म से दूसरे पेज पर, तो ये रिक्वेस्ट वहां पर भी अवेलेबल रहेगी। अब मैं उसे रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे गेट करूं, तो उसके लिए हमने मैंने बताया कि हर रेगुलर हर पेज पर, यानी कि हर पेज पर रिक्वेस्ट के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट और भी हैं, जैसे ये वाले ऑब्जेक्ट्स भी हैं इम्प्लिसिट, ये भी हर जीएसपी पेज पर अवेलेबल रहेंगे बाय डिफॉल्ट,
तो उनमें से मैंने एक एग्जांपल लिया आपका, ये रिक्वेस्ट स्कोप। रिक्वेस्ट स्कोप किसी को लेनी है नेम की, ये नेम मैंने यहाँ पास कर दिया। और इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, क्लाउड एक्स वेब, वो किसको दे दी मैंने, एबीसी को। अगर एबीसी को प्रिंट कराऊंगा तो मैं आपकी वैल्यू प्रिंट कर, बोलो समझ में आ नहीं है ना।